वेलकम एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन टू माय न्यू वीडियो। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर के टाइम से, और इतने दिन हो गए हैं मुझे भूलभुल में रहते हुए। तो पहला जो मैंने व्लॉग बनाया था उसके बाद मेरा दिल ही नहीं किया मैं कोई व्लॉग शूट करूँ। मैंने बस नेचर को इन्जॉय किया और दिन रात के मज़े के नज़ारों को इन्जॉय किया, यहाँ की ठंडक को इन्जॉय किया। और यकीन करें जितने दिन मैं रही हूँ बादल तो बस ऐसे थे जैसे कि अभी कमरे में ही घुस जाएंगे। बच्चों ने भी खूब इन्जॉय किया। तो आज जो हमारा टारगेट था वो यहाँ पर एक जगह जिसका नाम है ठंड। ठंड इस जगह का इसलिए नाम है क्योंकि यहाँ पर एक तो ये हाइट पे है जगह, और दूसरा यहाँ से इतने सारे व्यू नज़र आते हैं, मरी भी, पीसी भुरबन भी, इसके अलावा कश्मीर के पहाड़ भी, और उससे बैक साइड पे बड़े बड़े बहुत सारे पहाड़। मेरा जो कैमरा है ना वो कैप्चर नहीं कर पा रहा था, लेकिन ये बहुत मज़े की जगह थी। पहाड़ के ऊपर ग्रासी एरिया काफ़ी था, यानी कि एक सेफ जिसे कहते हैं जगह, यहाँ बच्चे भी आराम से फिर सकते थे। और मैं तो बस यहाँ पर जाके पहाड़ के किनारे बैठ जाती थी और खूब इन्जॉय करती थी, और हवा तो ऐसे चलती थी जैसे अभी उड़ाले जाएगी। और बच्चे भी यहाँ पर ना सेफली फिर रहे थे क्योंकि ऐसी खाई पी रही थी कि बंदा देखे तो नीचे डरक गिर जाए, यानी स्टेप बाय स्टेप था। अच्छा, यहाँ से थोड़ा सा जो है हम ऊपर और आए तो प्यास सी लग गई, तो वहाँ पर एक घर जो था वो बना हुआ था, तो हमने उनसे कहा कि हमें पानी पीना है, तो उन्होंने हमें बिठा ही लिया। और बिठा ऐसा लिया कि वहाँ से उठने में दे रहे थे, इतने जो है ना मेहमान नवाज थे, उन्होंने हमें ना सिर्फ अपने घर से पानी पिलाया बल्कि अपने घर के मज़े के जो एप्पल्स थे वो भी पेश किए। इनका घर भी इतना हाइट पर था कि इतनी ठंडी ठंडी यहाँ पर हवा चल रही थी, और बाकी जगहों से यहाँ का मौसम इतना ठंडा था कि मुझे ना थोड़ी ही देर में जैसे ठंड सी महसूस होना शुरू हो गई। इनका अपना किचन गार्डन था, इन्होंने छोले भी लगाए हुए थे और उन्होंने कद्दू भी लगाए हुए थे, टमाटोस भी थे, और काफ़ी सारी ये वो देसी खीर है गार्डन में थी, और वहाँ पे मैंने कद्दू भी देखे। वाओ, और ये किस चीज़ की है? ये भी कद्दू की बेल। ये भी कद्दू की है, फ्रेश फ्रेश कद्दू। मज़ा है यार यहाँ पे, बहुत मज़ेदार, हर चीज़ मज़े की है। और वो क्या लगा हुआ है वो सामने? अखरोट। ये अखरोट सूख गई है। अच्छा, क्या लगा हुआ? अखरोट है। ये अखरोट का दरख्त। ये एप्पलों की काव है? नहीं, ये अच्छा। और ये जो नहीं होते छोटे, वो एक तो होते ना बड़े अमरूद, एक छोटे जो होते हैं ब्लैक ब्लैक अमरूद। थोड़ी देर बाद मैं अंदर आ गई इनका घर देखने के लिए कि पहाड़ों पर रहने वाले मकामियों का अंदर से घर कैसा होता है। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि इनका घर कैसा होता है। अंदर से बिल्कुल सिंपल है, लेकिन फिर भी इनकी जो है ना खूबसूरती दिखाई देती है। छतें इन्होंने देखें कैसी बनाई हुई हैं, सादे से हैं और बहुत ज़्यादा सलीकामंद हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। और हमने यहाँ पर नमाज़ भी पढ़ी। नेक्स्ट साल आएंगे इनके लिए, अगर आए तो कुछ गिफ्ट शिफ्ट लेके आएंगे मीरपुर से। अरे हम और मिनसा इंजॉय कर रहे हैं। इनका घर ऐसी जगह पे है, ऐसी हाइट पे है कि एक तो यहाँ हवा नहीं रुक रही, ऊपर से जो व्यू है वो तो कमाल के ही है। क्या बात है, छोटे बच्चे को पढ़ाती थी। आलू पुदीना और क्या है इसमें? अच्छा, आपके वो बता रहे थे हस्बैंड क्या वो तालीम की तो बाबा जानी को आपकी डायरी है बड़ी अच्छी। हमने वहाँ खूब इंजॉय किया, और उसके बाद उन्होंने हमारी पकोड़ा पार्टी भी की। उनके ख़ास कोई हर्ब में पकोड़े पकते हैं वो उन्होंने खिलाए। उसके बाद हम नीचे एक और किसी बुरबन के मकामी रहने वालों के घर आ गए, तो उन्होंने हमारी टी पार्टी कर दी। तो आज जो हमारा सहना सीन यूँ ही चलता रहा कि हम वैसे उनके लिए अननोन थे, हम पहली बार सबसे मिल रहे थे, तो उन सब ने जो है ना बड़े खुले दिल से हमारा वेलकम किया। फिर हमारी उनसे काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई, उनके जो बच्चे हैं फिर वो हमारे घर आए और रात को हमारे साथ उन्होंने खूब लूडो खेली, और यूँ हमारा जो रात है वो बड़ी ज़्यादा इंजॉयफुल हो गई थी।
उसके बाद ये वीडियो नेक्स्ट डे की है। आज हमारा टारगेट था वो दरबार का था, दरबार पत्रियाटा से आगे हज़रत लाल शाह का दरबार है, वो हम विज़िट करने जा रहे हैं और वो भी पहाड़ों नज़ारों में बना हुआ है। तो तैयार होके हम यहाँ से निकल चुके हैं और यहाँ पर ना मज़ा यहाँ पर रहने वालों के साथ आ रहा था, जिनसे हमारी फ्रेंडशिप हो गई थी, मतलब पहाड़ों में रहने वाले मकामियों के साथ। तो वो बड़े खुले दिल के होते हैं और बड़ा अच्छे से वेलकम करते हैं, सादे होते हैं। और देखें कि अभी 3-4 घरों से ऐसे दोस्ती हो गई जिन्हें हम जानते भी नहीं थे, ऐसा लगता है जैसे वो बहुत अच्छे से उन्हें जानते हों और हमेशा से उनसे मिलते हों। और बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे ना। और ये देखें यहाँ पर झीका गली में आते ही बादलों ने जो है ना हमें घेर लिया है, और काफ़ी सारे जो बादल है ना, काफ़ी सारे वो ऐसे धुंध की तरह नीचे आए हुए थे जैसे कि धुंध छाई हुई हो। तो गर्मियों के हब्स वाले मौसम में यहाँ के ठंडे ठंडे जो बादल हैं वो इतना मज़ा दे रहे थे कि मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि हम वापस जाएं। और बस तकरीबन आधे घंटे या तकरीबन 1.25 घंटे की ड्राइव पे ये दरबार था और यहाँ दरबार आ गए। दरबार के बाहर काफ़ी सारी चीज़ों के स्टॉल्स थे, खिलौने थी, ज्वेलरीज थी और कुछ खाने पीने की चीज़ें थी और कुछ इस तरह की चादरें थी, मतलब बहुत कुछ जो है ना ट्रेडिशनल, कुछ कह लें कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें थी। अच्छा, मेरा मेन मकसद दरबार पे जाने का ये होता है कि वो बुज़ुर्ग जो नेक अल्लाह के गुजरे हैं उनकी बरकत वाली जगह पे जाके एक दुआ मांग लो। लेकिन बहुत से लोग बहुत ही गलत हरकत करते हैं, जैसे कि वो कब्रों को सजदा करते हैं और उनसे मांगते हैं, तो ये बड़ी गलत हरकत है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये देखें दरबार के सामने क्या ज़बरदस्त व्यू है, मैं तो व्यू को भी साथ के साथ एंजॉय कर रही थी और दरबार भी बड़ी मज़े की जगह पे बना है। अच्छा, ये जो थे ना अल्लाह के वली, ये इनके जो शेर हैं ना ताबे थे, तो सुना है कि हर जुमेरात को ना एक आधा शेर आता है जो दरबार की सफाई करके जाता है, कुछ इस तरह से है। तो इन्हें शेरों वाली सरकार भी कहा जाता है और मैं ना सही से कैप्चर नहीं कर पाई कि इनकी ना एक पिक्चर से भी बनी हुई थी शेर के साथ ना बना कर लगाई हुई थी। तो ये बहुत कमज़ोर से थे और 6 माह इन्होंने बर्फ़ में गुजारे हैं, मतलब बर्फ़ में चीला काटा है और इबादत की है अल्लाह की। तो मैं दरबार में एंटर हो चुकी हूँ और ये इनकी चीला गाह है जहाँ इबादत करते थे। और अंदर दरबार के ख़वातीन तो जा नहीं सकती, बाहर बाहर से ही हमने फातिहा दिया और अल्लाह से दुआ की। और दुआ करने के बाद हम बाहर आ गए थे, वहाँ कुछ और ख़वातीन बैठी कुरान पाक भी पढ़ रही थी, कुछ लोग नमाज भी पढ़ते हैं। और ये था उनका जो दरबार, बाहर बाहर से ही मैंने वीडियो बना ली, मैं अंदर नहीं गई। इसके बारे में कुछ बताएंगे, लंगर के बारे में दोबारा शुगर वाले मरीज के साथ इनका लंगर चल रहा था, कावा, सबको ये कावा बांट रहे थे और कावे के बारे में भी कुछ बता रहे थे। तो मैंने इनसे कहा कि हमें भी ज़रूर बताएं कि इस कावे को पीने से क्या फ़ायदे होते हैं, तो हमने भी पिया और मैंने बच्चों को भी दिया। कुछ वक्त दरबार में गुजार के दरबार से कुछ छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को दिलाई और कुछ खाने पीने के स्टॉल से कुछ छोटा मोटा लिया और फिर हम आ गए। और उसके बाद एक पॉइंट पे रुके जहाँ बादल तो ऐसे थे ऐसे जैसे बस फिल्मों में ही दिखते हैं। और उसके बाद यहाँ बच्चों को छलियाँ वगैरह दिलाई, कुछ फ्रूट्स लिए, कुछ छोटी मोटी चिजियाँ मिजियाँ खाई और बस उस पॉइंट से भी फिर चल दिए। और रास्ते में ये बादलों को बस मैं देखती जा रही थी कि वो कैसे छाए हुए थे हर तरफ पहाड़ों पे इधर उधर। तो पहाड़ों के ऊपर बादलों के जो नज़ारे होते हैं ना इस मौसम में, वो तो बहुत ही डिफरेंट होते हैं, उनका तो कोई जो है ना आसानी नहीं। और बस यही मेरे कुछ दिन थे भूलबन में इंजॉयमेंट के। कभी मैंने व्लॉग शूट किया और कभी मैंने जस्ट नेचर को इंजॉय किया। तो आप लोगों के पास भी अगर टाइम है और टाइम होने के साथ साथ पैसे हैं तो ज़रूर टाइम निकालें और जाएं और इन नॉर्दर्न एरियाज़ की मौसम को खूब इंजॉय करें, क्योंकि इसके बाद तो आने वाली है सर्दी, यहाँ पे फिर मज़ा नहीं आना जो आजकल आता है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर।